चक्रमिति में लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, टोटल सरफेस एरिया क्यूब के बारे में आपको बताया गया। घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको बताया गया, है ना, घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया भी आपको बताया गया। ठीक है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला है, टी एस ए बराबर 6A2। अब ए क्या है, ए बोलोगे एक किनारा है ना, ए क्या है, एक किनारा है, किनारा या भुजा कह सकते हो उसे। तो किसी भी घन में जो उसके सभी फलक होते हैं, सभी फलक वर्गाकार होते हैं, वर्ग की आकृति के होते हैं, तो आप बोलोगे एक फेस का क्षेत्रफल ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो 6 फलक का क्षेत्रफल 6A2 के बराबर होता है, यानी 6 × A2। ठीक है, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आपको पता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जिसे आप लैटरल सरफेस एरिया कहते हो, और इसे शॉर्ट फॉर्म में LSA लिखते हैं, है ना, LSA आप लोग लिखते हो। LSA का फॉर्मूला क्या है, 4A2, है ना, 4A2 लिखने का क्या मतलब हुआ, 4 × A का वर्ग, है ना, वर्ग सिर्फ ए पे आएगा, सिर्फ भुजा पे आएगा, है ना, आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, 4A करके पूरे पे वर्ग नहीं करना है ना, 4 लिखोगे सिर्फ भुजा का वर्ग करोगे, 6 लिखोगे सिर्फ भुजा या किनारा का वर्ग करोगे। तो यही दो फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, TSA का और LSA का किसी घन के लिए। तो जब भी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बात की जाएगी तो आप 6A2 लगाओगे, जब भी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाएगी 4A2 फॉर्मूला लगाओगे। इतना क्लियर है सभी का, यही लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। तो अभी इसी पे क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया का मान दिया गया है, LSA का मान दिया गया है ना, और आपसे डब्बे का किनारा पूछा जा रहा है ना, डब्बे का किनारा यानी A का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं आपका चैट सेक्शन को बंद कर दे रहा हूं, और पहले तो आपको सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करना है फिर आंसर करना है। ठीक है, एक घन के आकार का एक डब्बा है जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया 1024 cm² दिया गया है। तो डब्बे का किनारा आपसे पूछा जा रहा है, तो ए का मान बताइए, किनारा का मान बताइए, कह सकते हो भुजा का मान बताइए, है ना, भुजा या किनारा एक ही चीज होता है। तो ये बताइए, घन के आकार का कोई डब्बा है, तो क्वेश्चन दो तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं, या तो किनारा देके एरिया पूछा जाएगा, है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जाएगी, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देके किनारा पूछ लिया जाएगा, यही दो तरीके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं, सभी लोग आंसर कीजिए। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया अगर दिया गया है तो किनारा क्या होगा, चलिए 15 सेकंड और वेट करते हैं। ठीक है, 15 सेकंड और है, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर किनारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो किनारा का आप मान कैसे कैलकुलेट करते हो, बिल्कुल इसी तरीके क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया गया था, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया गया था।
तो अगर वो क्वेश्चन आपको याद है तो आप काफी आसानी से कर पाओगे इसको। 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है? आखिरी 10 सेकंड्स और हैं, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, तो सभी लोग ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है? आंसर करने का कोशिश जरूर करना है, ठीक है? जो भी आपका आंसर आता हो। 5 सेकंड्स और, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है? अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आपका चैट सेक्शन ओपन है। चल, अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो सबसे पहले मिलेगा घन आकार डब्बा है, मतलब डब्बे का शेप पता चल गया कि क्यूब के आकार का है, घन के आकार का है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे आप लैटरल सरफेस एरिया कहते हो, तो आप कहोगे लैटरल सरफेस एरिया यानी LSA का मान दे रखा है 1024 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डब्बे का किनारा आपसे पूछा जा रहा है यानी एज का मान, ए का मान पूछा जा रहा है। तो आप बोलोगे जो दिया गया है LSA दिया गया है, तो LSA बराबर लिख दोगे 1024 1024 सेंटीमीटर वर्ग, है ना? यही दे रखा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है कि LSA का फॉर्मूला क्या है, किसी भी घन का लैटरल सरफेस एरिया यानी चार दीवारों का क्षेत्रफल होता है ना, चार दीवारों के क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हो, लैटरल सरफेस एरिया कहते हो। और इसका फॉर्मूला है 4a स्क्वायर, जहां पर ए अगर एक किनारा है ना, ए अगर किनारा है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर के बराबर होगा, है ना? और इसी का मान आप कह रहे हो लैटरल सरफेस एरिया का मान 1024 के बराबर दे रखा है, तो जो दिया गया उसी को मान बस रख देना है, ठीक है ना? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? अब आप बोलोगे 4a स्क्वायर का मान अगर 1024 है तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा? ए स्क्वायर का मान 1024 में 4 से आप डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे आपको मिलेगा 2, 4 से काटोगे तो 2 बार में कटा, 4 दुनिया 8, फिर 2 हासिल बचा, ये बन गया 22, 4 25, फिर 4 6 24, यानी 256 बार में कट जाएगा, 256 बार में कटा। तो यहां से ए स्क्वायर का मान तो 256 आ रहा है ना, ए स्क्वायर यानी ए का वर्ग तो 256 के बराबर आ रहा है, तो ए का मान क्या आएगा? ए का मान वर्गमूल 256 के बराबर आएगा, है ना? √256 के बराबर आ जाएगा। अब आपको 1 से 25 तक वर्ग तो याद है, तो आप कह सकते हो कि सर 16 का जो वर्ग होता है, अगर याद है तो सीधे सीधे बोल सकते हो 16 का वर्ग 256 होता है, तो यहां से 256 को आप लिखोगे 16 × 16 और ये वर्गमूल। और आपको कई बार बताया जा चुका है कि अगर दो नंबर गुना में वर्गमूल के अंदर है तो एक बार वो बाहर आ जाएगा, तो आंसर 16 सेंटीमीटर हमारा होगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इतना क्लियर है सभी को किस तरीके से सही किया? आया। 16 कहाँ से आया? सीधे सीधे आपको याद रखना है, देखिए 1 से 25 तक के नंबर का वर्ग स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है? पता होना चाहिए। तो अगर 16 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 256, तो इससे ये पता चल रहा है कि 256 जो है ये 16 × 16 है ना? तो 256 को ही लिखा 16 × 16 क्योंकि मुझे याद है कि 16 का वर्ग 256 होता है। अब 2 बार अगर 16 अंदर लिखा हुआ है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। आप समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग सिलेंडर यानी बेलन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो पहले ये देखते हैं सिलेंडर होता क्या है, उसके बाद सिलेंडर के बारे में क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, इसमें क्या क्या क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, वो सभी चीज अभी देखेंगे। सबसे पहला चीज ये जानना है सिलेंडर के बारे में, यह 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप कहने का मतलब हुआ त्रिविमीय आकृति है, मतलब इसको आप अगर अपने टेबल पर रखोगे तो इसमें आपके टेबल पर तो कुछ स्थान घेरेगी ही घेरेगी। मान लो अगर इस तरीके का सिलेंडर, इसे कहते हैं, ये आपको पहले दिखाया भी गया था क्लासेस में, इस वाले आकृति को सिलेंडर कहते हो, तो ये उसका आधार है, तो कुछ जगह तो आपके टेबल पर घेरेगी और इसकी कुछ ऊंचाई भी है, तो ऊंचाई है तो हवा में भी कुछ स्थान घेरती है, तो हवा में स्थान घेर रही है तो इसे हम 3D आकृति यानी त्रिविमीय आकृति कहेंगे, ठीक है? तो ये समझ लिया कि सिलेंडर होता कैसा है, 3D शेप होता है, ठीक है? त्रिविमीय आकृति होती है। उसके बाद सिलेंडर बनता कैसे है,
सिलेंडर किस तरीके से बनता है, देखो यहाँ क्या लिख रखा है। सिलेंडर में, सिलेंडर एक ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त, ये ध्यान दीजिएगा, दो वृत्त, ये दो वृत्त कहां पर है, एक तो हमारा ये ऊपर का भाग हो गया, ठीक है, और एक नीचे का भाग हो गया। तो ये दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, वृत्त दिख रहे हैं। जब भी आप सिलेंडर बनाते होगे या बेलन बनाते होगे तो दो वृत्त बनाओगे, है ना, और इस तरीके से उसे मिला दोगे, तो आपको दिख रहा होगा दो तो वृत्त, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, तो दो वृत्त हो गए। अब आगे बढ़ोगे, एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। अब यहां पर सोच सकते हो कि आयत का कहां से भाग है, कौन सा भाग आयत है, तो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है जिसे मैं ब्लू कलर का बना रहा हूं, यह एक आयत का बना होता है, रेक्टेंगल का बना होता है। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि रेक्टेंगल का कैसे बना होता है, तो आपको देखो यहां पर ये वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है, आयत दिख रहा है, मान लो आपके पास एक रेक्टेंगुलर या आयत के शेप का एक पेपर है, एक पेज है। इस पेज को जब इस तरीके से आप फोल्ड कर दोगे, है ना, इस तरीके से अगर फोल्ड कर दोगे तो फोल्ड करने के बाद जो चीज मिलता है वही बेलन होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने के लिए अभी मैं अपना स्क्रीन रोक रहा हूं, अभी स्क्रीन आपको नहीं दिखेगी, अभी आपको अपना मोबाइल रोटेट कर लेना है, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अभी आप सभी को एक पेपर दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ये पेपर, है ना, ये रेक्टेंगल के आकार का है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इस ये आयत है, इसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, ठीक है, इसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है ना, चौड़ाई है। अब अगर इस रेक्टेंगल को, इस आयत को आप इस तरीके से मोड़ दोगे, है ना, इस तरीके से हमने अगर इसे मोड़ दिया, ठीक है, तो जो आकृति अभी आपको दिख रही है बनते हुए, है ना, अभी देखो अगर मैं इस तरीके से मोड़ दूं तो जो आकृति अभी ये दिख रही है इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम बेलन कहेंगे। ये सभी को दिख रहा है, चैट सेक्शन में लिख के बताइए, इस आकृति को हम लोग बेलन कहते हैं, और यही हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है ना, रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये जो भाग आपको पूरा दिख रहा है, ये भाग क्या है, एक आयत का बना हुआ है, जिसको खोलने पे एक आयत बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है, पहले ये बताइए। तो यहां से हमें ये समझ में आया, फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी, अगर फिर से स्क्रीन दिखेगी तो वाई लिख के बताइएगा, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को, तो ना चलाया। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, सभी को माइक बंद रखना है। चलिए, तो यहां से ये समझ में आया कि किसी भी सिलेंडर में या किसी भी बेलन में क्या क्या भाग होते हैं उसके। तो पहला भाग तो हमें यह समझ में आया कि यह एक वृत्त होता है जो लाल कलर का दिख रहा है, दूसरा दिखा यह भी एक वृत्त होता है जो लाल कलर का दिख रहा है, और यह जो भाग है, यह जो भाग वक्र भाग है, ये एक आयत का बना होता है, आयत को ही आप जब फोल्ड कर दोगे तो वही हमारा क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। किसी भी बेलन में ये जो दोनों भाग हैं, ये जो भी दोनों भाग हैं, एक नीचे का भाग एक ऊपर का भाग, इन दोनों को हम बेलन का आधार कहते हैं। इन दोनों को क्या कहोगे, इसे भी आप आधार कहोगे और इसे भी आधार कहोगे, है ना, दोनों ही को आप बेस कहोगे, बेस ऑफ सिलेंडर। अब बोलोगे सर बेस तो हमेशा नीचे होता है, तो नहीं, जरूरी नहीं कि नीचे हो। अभी मान लो ये लाल कलर वाले भाग की तरफ से रखा हुआ है, आप इसको पलट के इस तरफ से भी रख सकते हो, है ना, किसी भी तरफ से रख सकते हो, तो नीचे वाला भी आधार है, ऊपर वाला भी आधार है, ये बात अलग है। कई बार आपको बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा कि बेलन का निचला भाग आधार और बेलन का ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग को ही आधार कहते हैं, ठीक है, दोनों ही भाग आधार होते हैं, दोनों ही वृत्त जो होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं, है ना, तो ये दोनों वृत्त जो होंगे बिल्कुल एक जैसे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद इस वाले डिस्टेंस को आप अगर देखो, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबवत दूरी है, इस दूरी को आप क्या कहते हो, इस दूरी को बेलन का ऊंचाई कहते हैं, इस दूरी को बेलन की ऊंचाई कहते हैं, ठीक है, ये क्लियर है, इतना क्लियर है। दोनों आधार के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसे हम ऊंचाई कहते हैं, तो यह हमारा बेलन का ऊंचाई हो गया। तो यहां तक ये समझ लिया आपने कि आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है। उसके बाद अगर हम ये बात करें सिर्फ इस डिस्टेंस की, देखो ठीक है,
अगर मैं इस वाले की बात करूं, इतना दूरी को जो लाल कलर का बनाया जा रहा है, तो इस ये जो वृत्त का त्रिज्या है, जो ऊपर में जो वृत्त दिख रही है, इसकी जो त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या हो जाती है। इसे आप क्या कहोगे? बेलन की त्रिज्या, है ना। जो वृत्त का त्रिज्या है, जो आधार का त्रिज्या है, उसे आप बेलन की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या समझ में आया सभी को? कि जो भी आधार का और जो दोनों आधार, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों आधार का त्रिज्या बराबर होगा। ठीक है, तो इसे हम बेलन की त्रिज्या कहेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर कहेंगे। अगर मैं इस वाले भाग की बात करूं, अगर मैं इस वाले लाइन की बात करूं, ये पूरा, तो इसे क्या बोलोगे, है ना? इतनी दूरी को क्या बोलोगे? तो इस वाले को डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं, है ना। तो ये हमारा बेलन का व्यास हो जाएगा। तो नीचे में जो भी आधार है या ऊपर में जो आधार है, उस वृत्त का जो व्यास होगा वही बेलन का व्यास कहलाएगा। ठीक है, बेलन का व्यास कहने का मतलब आधार का व्यास या जो भी नीचे में सर्कल है, वृत्त है, उसका व्यास। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि अगर त्रिज्या आपको दी गई 5 सेंटीमीटर, तो बेलन का व्यास कितना हो जाएगा? अगर बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का व्यास कितना होगा? चैट सेक्शन में लिख के बताइए। तो आप साफ साफ बोलोगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो 2 गुना त्रिज्या होता है ना। तो 2 गुना 5 यानी 10 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, ये बताइए, अगर बेलन का डायमीटर व्यास 50 सेंटीमीटर है ना, तो त्रिज्या क्या होगा? अगर बेलन का व्यास डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा? तो बोलोगे त्रिज्या डायमीटर का आधा होता है, तो 2 से भाग दे दोगे, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो त्रिज्या और व्यास में संबंध आपको पता है, त्रिज्या बेलन का व्यास का आधा होता है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जो वृत्त में पड़ा वही चीज यहां भी लगेगा। तो अब तक सर आपने, अभी आप चैट सेक्शन, आप इन कॉल मैसेज में जाओगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, वहां पर मिल जाएगा। आप पहली बार क्लास कर रहे हो क्या? आप पहली बार क्लास कर रहे हो क्या? आप तो इतने दिन से क्लास कर रहे हो पवन। सर मेरी दीदी करती थी। चलिए ठीक है, तो चैट सेक्शन 3 डॉट पे क्लिक करना है, वहां पर इन कॉल मैसेज आएगा, वहां पर से चैट सेक्शन मिलेगा। ओके सर। चलिए, तो आर क्या है हमारा? आर बेलन का त्रिज्या है, डी हमारा बेलन का व्यास है, 2 आधार होते हैं, 1 ऊंचाई होती है। तो ये सारी चीज हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ये सारी चीज समझ में आ गई? वाई एन लिख के बताइए। तो जो भी चीज अभी पढ़ाया गया, ठीक है। अच्छा, हो सकता है अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, 1 सेकंड रुक जाएंगे, फिर से स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, और फिर से स्क्रीन दिखेगा तो फिर चैट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए, अब स्क्रीन दिख रही होगी सभी को। चलिए, तो जो भी अब तक पढ़ाया गया वही चीज यहां पर लिखा गया है कि बेलन होता क्या है। बेलन में 2 आधार होते हैं, है ना, 2 आधारों के बीच की लंबवत दूरी को बेलन की ऊंचाई कहते हैं, और बेलन का जो वृत्त होता है यानी जो आधार होता है, उसका त्रिज्या ही बेलन का त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो इस पेज की चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजें यहां पर लिखी गई है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, 5 4 3 2 1। चलिए, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अब अगर अपने बेलन को समझ लिया कि बेलन होता क्या है, तो हम लोग बेलन में 2 चीज हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला चीज ये पढ़ना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, क्या होता है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, टोटल सरफेस एरिया नाम तो आप सभी ने सुना है ना, घन में भी घनाभ में भी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो, नाम भी सुना है, टोटल सरफेस एरिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग TSA लिखते हो। एक नया नाम यहां पर आ रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को अभी के लिए नाम को समझो, कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? CSA लिखेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CSA लिखा जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को TSA यानी टोटल सरफेस एरिया लिखा जाएगा। ठीक है,
अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि कर्व सरफेस एरिया यानी सीएसए क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फिर देखेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टीएसए क्या होता है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। हाँ, वही तो बताया जा रहा है ना, कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। तो अगर आपको याद हो, अभी आपको यह बताया गया कि एक आयताकार सीट को, है ना, आयताकार सीट को मान लो इसकी लंबाई, मान लो कोई भी आयताकार सीट की लंबाई L है, इसकी चौड़ाई B है ना, लंबाई L है, चौड़ाई B है। इसको आप इस तरीके से फोल्ड किया आपने कि यह दोनों भाग जो है, यह वाला भाग इस वाले भाग के ऊपर आ गया, है ना, इस तरीके से आपने इसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने फोल्ड कर दिया दोनों तरफ से। तो जब फोल्ड करोगे तो यही एक बेलन बन जाएगा, अभी आपको फोल्ड करके दिखाया भी गया था, है ना, तो ये बेलन बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बेलन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग जिससे ये बेलन बन रहा है, इसी को हम कहते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वह भाग वक्र है, है ना, कर्व है, इस तरीके से घुमा हुआ है ना। तो हम क्या कहेंगे, जिस भी सीट से, ध्यान से समझिएगा, जिस भी आयताकार सीट से ये बेलन बना हुआ है, इस सीट का जो क्षेत्रफल होगा वही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये बताइए, ये क्लियर हुआ, जिस भी सीट से ये बेलन बना हुआ है इसी का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है ना। चलिए, तो ये जो गोल आपको दिखता है बेलन, जिसमें आधार मान लो दोनों तरफ से खुला हुआ है ना, कोई भी सिलेंडर है, मान लो कोई पाइप है तो कुछ इस तरीके का है, इसमें दोनों ही तरफ से ये पाइप खुला हुआ है ना, ना ही इसमें नीचे वाला आधार है। अच्छा, किसी का तो माइक ऑन, हर्ष के नाम से जो भी बच्चे, अपना माइक आपको बंद रखना है, ध्यान से सुनिए। आपको यही समझना है कि मान लो कोई भी आयताकार सीट है आपके पास, ठीक है, कोई भी आयताकार सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है, 25 मिनट यार तू खेल, इसको आपने मोड़ा, ठीक है, अभी आपको मोड़ के दिखाया गया था। अगर इसको मोड़ के आप एक बेलन बनाओगे तो ये जो आयताकार सीट का क्षेत्रफल होता है वही इसका वक्रीय भाग का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसी रेक्टेंगल से वो बेलन बना हुआ है ना। तो आप कह सकते हो कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये वाला भाग है ना, जिसमें आप इन दोनों आधार को नहीं ले रहे हो, ये आधार नहीं लिया, यह भी आधार नहीं लिया, है ना, सिर्फ वक्रीय भाग लिया, है ना। तो आप कह सकते हो कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा सर, वो आयताकार सीट के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि वो आयत से ही बना हुआ है, क्योंकि वो आयत से ही बना हुआ है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयताकार सीट के क्षेत्रफल के ही बराबर होगा। इतना क्लियर है सभी को? इतना नहीं सर, क्या डाउट है आप माइक ऑन करके पूछिए, अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। मुझे समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया, वही तो पूछा जा रहा है ना, मतलब रेक्टेंगल का जो सीट होता है, आपको सीधे सीधे ये याद रखना है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आयताकार सीट का क्षेत्रफल होगा, जिस भी आयताकार सीट से वो बेलन बना हुआ है। पहले तो आप अपना माइक बंद कीजिए, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, ठीक है। चलिए, जब बोला जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए उस वक्त आपको माइक ऑन करना है, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आयताकार सीट का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि वो आयत से ही बना होता है। अब आयताकार सीट का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, L into B होता है, ठीक है। अब जो भी आयत का सीट की जो चौड़ाई है, ठीक है, जो भी आयत के सीट की चौड़ाई है, अच्छा बलिंदर के नाम से जो भी बच्चे हो, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, आपको माइक बंद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, L into B, ठीक। अब कह दो कि जो भी चौड़ाई है, जो भी हमारा आयताकार सीट का जो चौड़ाई है वही हमारा बेलन का ऊंचाई बन जाता है ना। अगर आप इस तरीके से उसे मोड़ोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो भी चौड़ाई है ना, ये जो चौड़ाई है वो बेलन का ऊंचाई बन जाता है, बेलन का ऊंचाई बन जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हो सर, जो लंबाई है,
लंबाई को तो मैं एल लिख रहा हूँ, है ना, लंबाई को आप एल लिख रहे हो, चौड़ाई को आप एच लिख सकते हो, बेलन की ऊंचाई लिख सकते हो। उसके बाद लंबाई को आप क्या लिखोगे, ये ध्यान दीजिएगा, लंबाई को ये जो बेलन की लंबाई है, सॉरी आयत की जो लंबाई है, ये वाली लंबाई है ना, यही घूम के इस तरीके से बेलन का ये वाला भाग बन जाएगा, है ना, जिसे मैं लाल कलर से पेन चला के दिखा रहा हूं। तो ये जो वृत्त का जो परिधि है, ध्यान से देखिएगा, जो वृत्त का परिधि है जिसका त्रिज्या आर के बराबर है, यही हमारा आयत का लंबाई होता है ना। तो यहां से आप कह सकते हो जो वृत्त का परिधि है ये 2πr के बराबर है और यही आयत की लंबाई के बराबर है। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि L क्या है, ये आधार का परिमाप के बराबर है या परिधि के बराबर है। B क्या है, जो आयत का चौड़ाई है वो हमारा बेलन का ऊंचाई बन गया। ठीक है, इतना समझ में आया। दो चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आयताकार शीट की लंबाई होती है वो आधार की परिधि बन जाती है, जो भी चौड़ाई होती है वो बेलनाकार बेलन का ऊंचाई बन जाएगा। ठीक है, यहां से आप कह सकते हो कि आयताकार शीट का क्षेत्रफल अगर लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो लंबाई को आप लिख सकते हो 2πr, चौड़ाई को आप लिख सकते हो h। तो यहां से आप कहोगे बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 2πr h के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला आता है आपके पास, CSA का मान 2πrh के बराबर होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh के बराबर होगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ये बताइए। ठीक है, तो दो चीज आपको याद रखना है कि अगर किसी भी आयताकार शीट से अगर मोड़ के आप अगर बेलन बनाते हो तो उसकी जो लंबाई होती है वो आधार का परिधि हो जाती है ना, तो 2πr के बराबर है, अगर त्रिज्या r के बराबर है तो बेलन की चौड़ाई ऊंचाई के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर से कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज पढ़ाई गई है वही सारी चीज यहाँ पर लिख के रखी गई है, जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप कह सकते हो किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, CSA जो होगा वो 2πrh के बराबर होगा, जहां पर r बेलन की त्रिज्या है और h हमारा बेलन का ऊंचाई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हमें पढ़ना है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को आप TSA भी लिखते हो ना, टोटल सरफेस एरिया को आप TSA लिखते हो। ठीक है, अब बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, आप बोलोगे एक तो हमारे पास बेलन में आयताकार सीट होता है तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद एक आधार होता है, यहां पर एक वृत्त है जिसका त्रिज्या आर है। ठीक है, एक नीचे में एक वृत्त है जिसका त्रिज्या आर है। ठीक है, तो आयताकार सीट का क्षेत्रफल को तो आपने कहा कि ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, ऊपर और नीचे आप अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करोगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में दो वृत्तों को जोड़ देते हो, मतलब नीचे की तरफ एक वृत्त है, ऊपर की तरफ एक वृत्त है ना, तो दो सर्किल के एरिया को आप जोड़ दोगे, 2 × एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर उसकी त्रिज्या आर है तो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² होगा। तो यहां से आप कह सकते हो सर TSA जो होगा, टोटल सरफेस एरिया जो होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगी, वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में दो सर्कल को जोड़ दोगे, दो वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ दोगे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ठीक है, दोनों आधार को जोड़ दिया। तो यहां से आप बोलोगे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो अभी आपको पढ़ाया गया 2πrh, है ना, फिर आपने बोला यहाँ पर 2πr². ठीक है, अब अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं तो आपको कुछ नई चीजें दिखेगी, 2πr × h। ठीक है, प्लस फिर से मैं यहाँ पर 2π लिख दे रहा हूँ, 2πr, ये जो r² है, r² को मैं r × r लिख दे रहा हूँ। ठीक है, r × r दो बार लिख दिया, r² को क्या लिखा, r × r। ठीक है, अब ये जो लाल कलर का आपको दिख रहा है दोनों जगह 2πr दिख रहा है, तो 2πr को आप अगर कॉमन ले लोगे, 2πr को अगर कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट में आपको h+r मिल जाएगा, है ना। तो यहां से आपको मिल रहा है टोटल सरफेस एरिया का मान 2πr × h+r के बराबर। ठीक है, तो दो फॉर्मूला आपके पास हो गए, पहला फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का, देखो सारी चीजें अभी समझाई जा रही है, फिर आपको मौका दिया जाएगा, आप डाउट पूछ लेना। ठीक है, चलिए, तो पहला फॉर्मूला क्या है आपके पास, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये फॉर्मूला होता है 2πrh। ठीक है, जहां पर r त्रिज्या, h ऊंचाई।
दूसरा फॉर्मूला टीएसए होता है, टोटल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया में दो वृत्तों का क्षेत्रफल को जोड़ देते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया में ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में दो सर्कल के एरिया को जोड़ देते हो, दोनों ही आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देते हो। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πr इंटू एच प्लस आर। तो ये दो फॉर्मूले हैं, पहला और दूसरा। ये दोनों फॉर्मूलों को पहले नोट कीजिए। अब बताइए क्या डाउट है, अभी मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ये बताइए। सर टीएसए और सीएसए में फर्क क्या है? यही तो बताया गया ना, सीएसए क्या होता है, सिर्फ बेलन का वक्र भाग का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, 2πh आयताकार सीट का क्षेत्रफल होगा। उसी आयताकार सीट के क्षेत्रफल में दोनों ही आधार का क्षेत्रफल को ऐड कर दोगे, ऊपर वाला आधार और नीचे वाला आधार दोनों ही को जोड़ दोगे, तो टोटल जो एरिया आता है उसे ही टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। सर जो आपने ये वक्र लिया, ये लंबाई है या चौड़ाई है बेलन की? कौन सी? ये जो वक्र आपने सीएसए में लिया, ये लंबाई है या चौड़ाई है बेलन की? सीएसए लंबाई या चौड़ाई नहीं होती, सीएसए क्या है, देखो उसका नाम ही पढ़ो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह तो क्षेत्रफल है ना, उसे अपना लंबाई बोलोगे ना चौड़ाई बोलोगे, ठीक है, वह क्षेत्रफल है। टीएसए का भी लंबाई चौड़ाई नहीं लिया, टीएसए भी एक एरिया ही है। देखो सीएसए बोलो चाहे टीएसए बोलो, दोनों ही में क्षेत्रफल ही है, लंबाई चौड़ाई नहीं आ रही, इसमें त्रिज्या और ऊंचाई आ रही है, ठीक है? यस सर। चलिए अब पहले ये बताइएगा, अनिल का नाम से जो बच्चे, पहले अपना डाउट पूछ लो, अनिल का नाम से जो बच्चे, माइक ऑन करना है, डाउट पूछना है, फिर आगे बढ़ेंगे। सर ये दूसरे नंबर वाली नीचे से लाइन में 2h प्लस ये 2πr मल्टीप्लाई r है, ये 2r की मल्टीप्लाई r करेंगे तो r स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हाँ वही तो किया गया ना, ये देखो 2πr स्क्वायर जो लिखा गया है ना यहाँ पर, 2πr स्क्वायर, इसी r स्क्वायर को मैं दो बार लिख दिया, r इंटू r लिख दिया है ना, अब यहाँ भी 2πr दिख रहा है, यहाँ भी 2πr, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 2πr को कॉमन ले लिया तो बचा h प्लस r, है ना, आर स्क्वायर को दो बार लिख दिया बस, आर इंटू आर, ठीक है? चलिए जिनका भी डाउट है जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। गायत्री आपका क्या डाउट है, आप पूछ लो। माइक ऑन कर, चलिए ठीक है, मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं, एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, अगर कभी भी आपसे सीएसए का मान पूछा जाए तो सीधे सीधे आप बोलोगे सीएसए क्या होता है, 2πrh होता है, ठीक है? सीएसए होता क्या है, जिस भी आयत से ये बेलन बना होता है उसी आयत का क्षेत्रफल होता है और कुछ नहीं होता। अगर आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो सीएसए का मान 2πrh होगा, एक फॉर्मूला है, ठीक है? उसके बाद अगर टीएसए पूछा जाए, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछी जाए, तो आप क्या करोगे, सीएसए तो लिखोगे ही, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल तो लिखोगे ही, उसके साथ ही दो वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब एक आधार ये हुआ दूसरा आधार ये हुआ, इन दोनों का क्षेत्रफल को ऐड करोगे, तो एक बार आपने पाई आर स्क्वायर लिखा नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल, फिर से पाई आर स्क्वायर लिख दिया ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल को ऐड कर दिया, तो यहां से जो टीएसए आपका निकल के आ रहा है, ये फॉर्मूला क्या आ रहा है, सीएसए यानी 2πrh, ठीक है? फिर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर को जोड़ोगे तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2πr स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, अब यहां पर देखो ध्यान से, अगर मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ 2πr, फिर h को मैं लाल कलर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, l को मैं लाल कलर से लिख दे रहा हूँ, फिर प्लस कर दिया, फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2πr, है ना, 2πr। और यहाँ पर अगर डाउट है तो ये पूछ लीजिए, आर स्क्वायर जो है ना, आर स्क्वायर को मैं बस दो बार लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, आर इंटू आर लिख रहा हूँ, तो आर इंटू आर, अब यहाँ से 2πr को मैं कॉमन ले रहा हूँ, है ना, 2πr को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपको दिखेगा h प्लस आर, तो यही फॉर्मूला बन के आता है टीएसए का फॉर्मूला, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू h प्लस आर। तो दो फॉर्मूला है, 2πrh कर्व सर्फेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, टोटल सर्फेस एरिया यानी 2πr इंटू h प्लस आर, ठीक है? तो दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, जहां r और h का मान आपको पता रहेगा तभी आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया बता सकते हो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मान बता सकते हो, ठीक है? तो जो भी चीज पढ़ाई गई वही चीज यहाँ पर लिख रखा है, फॉर्मूला
TSA का, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr लिखोगे फिर h प्लस आर ब्रैकेट में लिख दोगे, है ना। तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपसे पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। धातु की एक चादर 3 मीटर ऊंची है, ठीक है। मान लेते हैं कि धातु की चादर कुछ इस तरीके से होगी, आयताकार होगी, इसकी 3 मीटर इसकी ऊंचाई है, 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है इससे, है ना। तो एक टंकी कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जो दोनों ही तरफ से बंद है, इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, ठीक है। इसकी त्रिज्या जो है, रेडियस दिया गया है 0.5 मीटर, और ये चादर की ऊंचाई अगर 3 मीटर है तो आप कह सकते हो जो ऊंचाई होगा इसका, तो ये ऊंचाई हमारे पास कितना है, 3 मीटर, है ना। तो ऊंचाई आपको पता है, त्रिज्या आपको पता है, तो बोला जा रहा है कि इस कार्य को के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, है ना। तो चादर का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, कितने चादर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। अभी आपका चैट सेक्शन बंद किया जा रहा है, आंसर पोल सेक्शन में करें, देखिए क्या होगा आंसर। देखिए धातु की एक चादर 3 मीटर अगर ऊंची है, उसकी त्रिज्या 0.5 है, मतलब हाइट और रेडियस दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, और बोला जा रहा है कि बंद टंकी है, टंकी बंद है, ध्यान दीजिएगा दोनों ही तरफ से बंद है। तो आप यहां पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, ऊंचाई और अगर त्रिज्या आपको पता है, किसी भी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या अगर पता है तो आप टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी कैलकुलेट कर सकते हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो यहां पर आपको देखना है कि आप कौन सा मान निकालोगे, TSA या LCSA। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, फिर इस पोल को एंड किया जाएगा। 15 सेकंड और है आपके पास, ठीक है। फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर आपको देखना है किस तरीके से आपने सॉल्व किया और किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 10 सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। फाइव सेकेंड्स, आखिरी 5 सेकेंड और है, अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें आप। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल एंड कर रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। बोला गया एक धातु के चादर की 3 मीटर ऊंची है, धातु की चादर 3 मीटर ऊंची है, तो आप कह सकते हो ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर, ठीक है। 0.5 मीटर त्रिज्या वाले आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है ना। तो आप कह सकते हो इसकी जो त्रिज्या है, आर का मान 0.5 मीटर है, ठीक है। अब कहा जा रहा है इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर लगेगा, और बोला जा रहा है कि बंद टंकी है ना, बेलनाकार बंद टंकी है। तो अगर बंद टंकी है तो पहले ये बताओ कि यहां पर आप CSA कैलकुलेट किए या TSA कैलकुलेट किए, ये बताइए। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैलकुलेट किए या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, बेलनाकार टंकी का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो, ये बताइएगा। नहीं, CSA क्यों करोगे, आपको बोला जा रहा है बंद टंकी है,
मतलब अगर टंकी कुछ इस तरीके का है तो यहां पर तो चादर लगा ही होगा, ये नीचे की तरफ भी चादर लगा हुआ है, आधार में भी चादर लगा हुआ है, छत पर भी ऊपर में भी चादर लगा हुआ है ना, तो दोनों ही तरफ चादर लगा हुआ है, तब TSA कैलकुलेट करोगे है ना, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, तो बोलोगे इसका जो भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का वही हमारा आंसर होगा। तो TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाओ, 2πr×H+R है ना, तो यही फॉर्मूला लगाओगे, इसमें मान रख दोगे, तो 2 के जगह पर तो 2 ही रखा, पाई के जगह पर 22/7 रखा, आर के जगह पर आप 0.5 रखोगे है ना, फिर से एच के जगह पर 3 रखोगे और आर के जगह पर 0.5 रखोगे, ठीक है। अब आप अगर आगे बढ़े तो आप बोलोगे 2×22/7, इस 5 को मैं ये पॉइंट को हटा के नीचे में 10 लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे 5/10, ठीक है। उसके बाद 3 और 0.5 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 3.5 मिलेगा है ना, 3.5 मिलेगा, और 3.5 में से ये शून्य पॉइंट को हटा के मैं नीचे में 10 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से लिखा, पॉइंट को हटा दिया है ना, पॉइंट को हटा के नीचे में 10 लिखते हैं, 2 से मैं अगर 10 को काटा तो 5 बार में कटेगा, ये 5 से मैं 5 को काट दिया, ठीक है। उसके बाद और क्या कट रहा है, आप देखो 7 से 35 कितने बार में कटेगा, 7 से 35 5 बार में कटेगा, 5 से 10 हमारा 2 बार में कटेगा, फिर 2 से 22 हमारा 11 बार में कट जाएगा, तो यहां से आप बोलोगे TSA जो आएगा 11 m² हमारा आंसर होगा। इतना क्लियर है, 11 m² कैसे आया, बस ये कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है ना, तो यहां से आप सोल्व करोगे तो 11 m² आंसर आएगा, ये समझ में आया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिखिए, ठीक है, जिनका डाउट है वो एन लिखेंगे, समझ में आया तो वाई लिखिएगा, ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट है, तो ये फॉर्मूला समझ में आया, यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया तो वाई लिखिए, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया ना, बस इसका कैलकुलेशन में डाउट है, ठीक है, कैलकुलेशन को ध्यान से देखो, 2×π के जगह पर मैं 22/7 लिख रहा हूँ, आर के जगह पर मैं 0.5 लिख रहा हूँ, ठीक है, 0.5 लिखा, एच के जगह पर 3 लिख रहा हूँ और फिर से आर के जगह पर 0.5 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ो, 2 के जगह पर 2 लिखा, फिर 22 के जगह पर 22/7 लिखा है ना, ये 0.5 को देखिएगा है ना, 0.5 को आप अगर पॉइंट हटाते हो तो बट्टा में 10 इस तरीके से लिखते हो, मान लो अगर 1.2 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 1.2/10, मतलब ये पॉइंट को हटा दिया है ना, 12/10 लिख सकते हो, 5.7 लिखा हुआ है तो इसको आप 57/10 लिख सकते हो, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे में एक शून्य लगाते हैं है ना, ये चीज आपको पढ़ाई गई है ना, तो ये 5/10 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 3+0.5 कितना हो जाएगा, इसको आप बोलोगे 3.5, ठीक है, 3.5, और 3.5 को आप लिखोगे 3.5/10, तो ये पॉइंट हट गया है ना, पॉइंट हट गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 7 को काटा 35 से 5 बार में कट, 35 को काटा 7 से 5 बार में कट गया, ठीक है, 5 से काटा 10 को 2 बार में कटा, ये 2 से हमारा 2 कट गया, ठीक है, और कौन सा कट रहा है, 5 से 10 हमारा 2 बार में कटेगा, फिर इस 2 से 22 11 बार में कटेगा, इसलिए हमारा 11 m² आंसर है। इस कैलकुलेशन को तो आपको खुद से करना है सोल्व, ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद से सोल्व कर सकते हो है ना, खुद से काट कर देखो, आपका आंसर सारा कैलकुलेशन करने के बाद 11 m² ही आंसर आएगा है ना, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अब क्लियर है सभी का, इतना समझ में आया है ना, बस ये बेसिक कैलकुलेशन है, किस तरीके से नंबर्स को काटने हैं है ना, ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से पहले सुनना है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है, एक रोलर का व्यास 84 cm है, तो आप बोलोगे डायमीटर दिया गया है 84 cm, अगर डायमीटर पता है तो आप रेडियस निकाल सकते हो, त्रिज्या का मान आप बता सकते हो कितना होगा, लंबाई 120 cm है, तो रोलर कुछ इस तरीके का होता है ना, रोलर जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, सिलेंडर के आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है, अब इसकी लंबाई अगर 120 cm है तो जो इस रोलर की लंबाई होगी वह इस बेलन का ऊंचाई हो जाएगा, तो आप कह सकते हो बेलन का जो ऊंचाई है वह 120 cm है, ठीक है, बेलन का ऊंचाई 120 cm, अब इस रोलर से खेल के मैदान को समतल बनाना है, समतल बनाने के लिए उसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं,
तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए। आपको बताना है कि अगर 500 चक्कर लगाने पे वो रोलर किसी खेल के मैदान को समतल कर देता है तो टोटल फील्ड का कितना क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो फील्ड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगर एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो यहां से आप त्रिज्या कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने त्रिज्या कैलकुलेट कर लिया, लंबाई 120 सेंटीमीटर दी गई है, तो लंबाई 120 सेंटीमीटर देने का ये मतलब हुआ कि बेलन की ऊंचाई दे दी गई है। बेलन की ऊंचाई पता है आपको, त्रिज्या पता है अगर आपको, तो यहां से आप उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। बोला जा रहा है कि इसे किसी खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 500 रिवोल्यूशन करना पड़ता है। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी तक काफी कम आंसर आए हैं, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर आंसर करना। ट्राई करना है आपको, ठीक है, कोशिश करिए कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। व्यास दिया है तो त्रिज्या तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, लंबाई दिया गया है तो इसका मतलब तो पता है कि ऊंचाई ही रोलर का हमें पता है। चलिए 20 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, 20 सेकंड्स और रुकेंगे, फिर पोल को एंड करके इसको डिस्कस करेंगे। फिफ्टीन सेकेंड्स, ठीक है, 15 सेकेंड और है। टेन सेकेंड्स, सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। फाइव सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन को मैं एक नए पेज पे लिख लिया। ठीक है, अब रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, मतलब डायमीटर दिया गया है, रोलर का डायमीटर 84 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप यहां से कहते हो कि अगर डायमीटर 84 है तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या 84 का आधा होगा, यानी कह सकते हो 42 सेंटीमीटर होगा, है ना, त्रिज्या पता चल गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ोगे, आप कहोगे सर रोलर की जो भी लंबाई है, रोलर की जो लंबाई होगी वही बेलन का त्रिज्या हो, सॉरी हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां से आपने कहा ऊंचाई जो है वो 120 सेंटीमीटर हो गया, है ना, बेलन की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे सर ये जो भी, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी लोग अपने कॉपी में नोट कर ले, कोई भी बेलन अगर चक्कर लगाता है, कोई भी रोलर अगर चक्कर लगाएगा
किसी भी रोड पे रोलर को आपने देखा होगा, रोड पे समतल करने के लिए, प्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक चक्कर में जितना भी दूरी तय करेगा, जितना भी क्षेत्रफल तय करेगा, है ना, आपको ये कॉपी में लिखना है कि एक चक्कर में जितना भी क्षेत्रफल तय करेगा वो बेलन का कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी बेलन रोल करेगा, जब भी आप उसे रोटेट करोगे, तो उसका वक्र जो भाग है ना, वही ग्राउंड से लगेगा, है ना, जो उसका दोनों आधार है, ये वाला भाग, है ना, ये वाला भाग और ये वाला भाग, कभी रोड से नहीं लगेगा, है ना। तो ये वाला भाग है, यही हमारा रोड के साथ लगता है। तो आप कह सकते हो एक चक्कर में, सबसे पहले कॉपी में नोट कीजिएगा, एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। कभी भी कोई बेलन अगर रोटेट करता है तो आपको ध्यान रखना है, एक चक्कर में जो भी क्षेत्रफल तय करेगा उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय करेगा, तो आपको फॉर्मूला पता है कर्व सरफेस एरिया का, 2πrh, है ना, फॉर्मूला पता है 2π × r × h। तो यहां से आप 2πrh जब कैलकुलेट करोगे, है ना, तो अगर 2πrh कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे 2 × 22/7, r का मान आपने रखा 42, त्रिज्या का मान 42, h का मान यानी ऊंचाई का मान 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। इसको आप 7 से अगर 42 को काटोगे तो ये कटेगा 6 बार में, 7 × 6 = 42 होता है। यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 × 22 = 44, 12 × 6 करोगे तो 720 मिल गया। ठीक है, इन दोनों को गुना करोगे, 44 × 720 को करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया, 44 को 720 से गुना आपको खुद से करना है, गुना आप करोगे आपको मिल जाएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2πrh, क्यों 2πrh कैलकुलेट कर रहे हैं, आप बोलोगे सर 2πrh क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, CSA यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए एक चक्कर में जो भी क्षेत्रफल तय करेगा वो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर अगर एक चक्कर में 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर तय करता है और आपको दिया गया कि 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं बेलन को, तो 500 चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय करेगा ये बताइए, 500 चक्कर में 500 से गुना कर देंगे, है ना, 31680 को, है ना। तो यहां से आप जैसे ही गुना करोगे 500 को 31680 को, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 1584 और 1234, है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये आपका आंसर होगा क्या, नहीं अभी ये आपका आंसर नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है खेल का मैदान का जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में बताइए, है ना, वर्ग मीटर में बताइए, है ना। तो आप यहां से क्या बोलोगे कि अगर हमारा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदल दोगे, कन्वर्जन आपको सिखाया गया था। तो यहां से आप कह सकते हो कि अगर हमारा क्षेत्रफल आ रहा है 1584 1234 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ रहा है, आप बोलोगे सेंटीमीटर से मीटर में अगर बदलने के लिए होता है, सेंटीमीटर छोटी इकाई है, मीटर बड़ी इकाई है, तो सेंटीमीटर से मीटर में अगर लंबाई को बदलते हो और आप 100 से भाग देते हो, है ना, 100 से भाग देते हो, लेकिन आपको बताया गया था कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलते हो तो आप 10,000 से भाग देते हो, 2 जीरो और लगा देते हो, तो इसको आप 1584 1234 ये जो भी नंबर है इसको आप 10,000 से अगर भाग दे दोगे, है ना, तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और 10,000 से भाग दोगे तो 4 शून्य कट जाएगा, तो यहां से आंसर आपको मिलेगा 1584 मीटर स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो पहले तो आंसर आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, फिर देखा कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर नहीं पूछा जा रहा है, मीटर स्क्वायर में आंसर पूछा जा रहा है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए, आपको कन्वर्जन सिखाया गया था, है ना। तो ये तरीका है इसको, इस पेज की पहले तो स्क्रीनशॉट लेना है आपको, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। तो एक चक्कर में लगाया गया क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होता है, 500 चक्कर में उसी को गुना कर दिया, आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और है आपके पास, यहां पर आपको एक बेलन का ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA कर्व सरफेस एरिया का मान दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपसे बेलन का व्यास पूछा जा रहा है ना। त्रिज्या पहले कैलकुलेट करोगे,
त्रिज्या को दुगुना करोगे तब डायमीटर आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर त्रिज्या नहीं पूछी जा रही है, व्यास पूछा जा रहा है ना। तो व्यास का मान बताइए, देखिए क्या होगा आपका आंसर। अगर बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार का व्यास क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, आपसे व्यास पूछा जा रहा है, त्रिज्या नहीं पूछी जा रही है। सोल्व करना है खुद से। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं। मान लो यहां पर त्रिज्या और ऊंचाई देके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो आप सभी तो आंसर कर दोगे, सीधे सीधे फॉर्मूला है ना। तो वही फॉर्मूला यूज करना है, अगर ऊंचाई दी गई है त्रिज्या या व्यास आपसे पूछा जा सकता है ना। तो फॉर्मूला तो वही वाला लगेगा, जो भी मान दिए गए उस मान को भर देना है, एक समीकरण बनेगा, समीकरण को सॉल्व कर देना है ना, आंसर आ जाएगा। चलिए 15 सेकेंड और रुकेंगे, ठीक है? 15 सेकेंड्स और हैं आपके पास, उसके बाद इसको एंड करके डिस्कस करेंगे, आंसर करिए। दस सेकेंड लास्ट, 10 सेकेंड्स और है, अगर अब तक नहीं हुआ है तो जल्दी से सॉल्व करिए, आंसर कीजिए। फाइव सेकेंड्स और, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है? अब यहां पर दिया गया है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो आप लिख दोगे h का मान 14 सेंटीमीटर है ना, h का मान 14 सेंटीमीटर। लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हो, सीएसए कहते हो, ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्यास पूछा जा रहा है ना, तो डायमीटर पूछी जा रही है ना, डायमीटर का मान पूछा जा रहा है। आपको यह पता है कि अगर मैं त्रिज्या कैलकुलेट कर लू, त्रिज्या को डबल कर दूंगा तो व्यास आ जाएगा है ना। तो आप यहां से क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखोगे 2πRh, और इसी का मान 88 के बराबर है, ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। यहां से सभी के मान आप भरते जाओगे, तो 2 के मान 2 रख दिया, पाई का मान आपने 22/7 रखा, आर का मान नहीं पता तो आर ही छोड़ दिया, एच का मान आपको 14 सेंटीमीटर पता है, 14 लिख दिया, और ये 88 के बराबर है। 7 से मैं 14 को काट रहा हूं, दो बार में कट गया, ठीक है? अब यहां पर देखो आर का मान क्या आएगा, यहां से आपने 88 लिखा डिवाइडेड बाई ये वाला 2 लिखा सबसे पहले नीचे, इनटू ये वाला 22 जो है यह भी लिखा नीचे, ये जो 2 है इस 2 को भी मैं यहां पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो यहां से मिलेगा 44 बार में कटेगा, फिर ये 2 से कटा है तो ये 22 बार में कटा, और ये 22 से 22 कटा तो 1 आया,
या 1 सेंटीमीटर आंसर होगा क्या? नहीं, आप बोलोगे सर ये तो त्रिज्या आया है, आर का मान 1 सेंटीमीटर आया है। अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो व्यास डायमीटर कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा, उसका 2 गुना होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर था। ये क्लियर है सभी का? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, क्योंकि व्यास पूछी जा रही है ना कि त्रिज्या पूछी जा रही है। तो ये ध्यान दीजिएगा आपसे पूछा क्या जा रहा है। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है, सारी चीज समझ में आ गई है, तो अभी होमवर्क आपको नोट करना है। तो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2, ये दो एक्सरसाइज आपको कर लेने हैं।